मिलते हैं और यहाँ पर आपको इसके साथ साथ इधर हाइज भी मिल जाती है और पूरी मैट 1000 के अंदर देते हैं। अरे नहीं सर, बिल्कुल 6000 रुपए में, 6000 रुपए में पूरा आपको सेटअप मिल टू। जी हाँ, ये जो अगर आप डिजाइन देखेंगे तो डिजाइन जो है अलग ही है कुछ, बिल्कुल मार्केट में मेरे को लगता है मिलेगा नहीं, बहुत प्रोफेशनल माइक मिलेगा, प्रोफेशनल माइक मिलेंगे यहाँ पर आपको, देखिए पूरा मेटल के अंदर रहेगा ये वाला, ठीक है। नहीं तो अभी HDMI और ऑप्टिकल इनके साथ मिलता है, ऑप्टिकल इन और ये HDMI आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है। कंट्रोल सारे आपको ये मिल जाते हैं और ये चेक करो, अर्थक्वेक 2, मतलब भाई 4 तो सामने स्पीकर ही आ गए इसके, 4 और 4 8, देखो कितना बड़ा डिजाइन किया गया, 4 फिल्टर्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, 2 नहीं 4। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये के अंदर आपको 8-8 इंची 2 सबवूफर मिलते हैं वो 100 मैग्नेट के अंदर, और यहाँ पर आपको 4 इंची सिर्फ एक मिडिल क्लास लोगों तक जो है अपने अच्छा आप साउंड पहुंचाते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाना है, साथ में है इसके, ठीक है, और गाना भी आप गा सकते हो, कैरियोके है इसके अंदर, ठीक है। ये जी 2 सबवूफर मिलते हैं 120 अच्छा, 10 इंची के हैं जी हाँ, 10 इंची 120 मैग्नेट साइज के सबवूफर के साथ, ठीक है। इसमें आपको साउंड बार के अंदर आपको जो है 4 जो है स्पीकर्स मिलेंगे और 2 कंपोनेंट भी मिलेंगे जो कि रियर के रहने वाले हैं, 7594 IC फुल रेंज के स्पीकर, 6-6 इंची 90 मैग्नेट लगा। मैं बात करूं तो ब्लैक डायमंड जो मेरी हीरा सीरीज का पार्ट है सबसे टॉप नॉच क्वालिटी है, मतलब लोग जब यहाँ ये चेक कर, अरे सर बहुत लंबे हैं यहाँ पर देख लीजिए भाई, ये चेक करो यार, बेस का कंट्रोल और ये वॉल्यूम का कंट्रोल रहेगा, बाकी ये सारे जो है यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाते हैं और इसके अलावा ये आपको पेन ड्राइव का। हाँ जी, तो गाइस बहुत टाइम बाद मैं आ चुका हूँ सर के पास, सर कैसे हो? मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे? सर बहुत बढ़िया, और फ्लो बीट्स पे भाई कुछ नया लेकर आ चुके हैं सर, क्या क्या आने वाला है, और मैंने सुना कुछ नई चीज भी आने वाली है। एग्जैक्टली, हीरा 5 प्रो प्रो मैक्स, बिल्कुल हीरा 5 प्रो में पार्टी एडिशन, हीरा 5 के अंदर जो है होम थिएटर एडिशन, ठीक है, सारे जो है नी रख दी है, काम स्टार्ट हो चुका है, मोल्ड जो है बनने के लिए हमारे डिजाइनिंग हो चुकी है पूरी फाइनल, ठीक है। अब जो है मतलब देसी लैंग्वेज में बताऊंगा जो आपको समझ आए, जब ये प्लास्टिक कोई बनता है या कि जब ये कोई लुक बनती है उससे पहले इसका डिजाइन बनता है, बिल्कुल कंप्यूटर के अंदर डिजाइन बनने के बाद जो है उसका मेटल का एक पार्ट बनता है उसके अंदर, फिर जो है इसको डिजाइन को डाला जाता है, साथ ही साथ वहां से फिर मोल्ड निकल के आके यहाँ पर जो है सामने लगने के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। इस तरीके से काम पूरा चल रहा है, टीम लगी है, थोड़ी डिटेल देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे उसके बारे में आपको टाइमली, बिल्कुल। और कुछ ये हुलिया भी चेंज होने वाला है, आपको जल्दी देखने को मिलेगा, बहुत कुछ आने वाला। तो सर कहाँ से आज हम स्टार्ट करने वाले? आज हम स्टार्ट करेंगे अपने टावर स्पीकर से, और यहाँ पर आपको 6.1 साउंड बार भी दिखाने वाला हूँ। अच्छा, 6.1 साउंड बार, वो भी फ्लो बीट्स का आ चुका है यहाँ पर, डाउन फायर वूफर के साथ, ठीक है। इसमें आपको साउंड बार के अंदर आपको जो है 4 जो है स्पीकर्स मिलेंगे और 2 कंपोनेंट भी मिलेंगे जो कि रियर के रहने वाले हैं, और साथ में आपको यहाँ पर और साउंड की अगर बात कर ले, बहुत ही अमेजिंग साउंड रहने वाला है, मतलब अगर आप मूवी देख रहे हो, मूवी का ट्रेलर भी आपको सुनाऊंगा यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, हेडफोन्स लगा के रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फॉक्स 11 किन लोगों के यूज के लिए बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर है, फ्रंट फायर वूफर के अंदर है, लाइट्स बहुत प्यारी है, इसकी भी चर्चा करेंगे आज हम, ठीक है। और ऑफ कोर्स हीरा 4 प्रो जो हमारी शान है जो भाई आउट ऑफ स्टॉक मिलता है हमेशा, जी हाँ। और इसके अलावा हीरा 1, और आज आपको खोल के दिखाएंगे 3-4 चीजें के अंदर जो है मैं क्या डालता हूँ और बाकी लोग क्या डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग इतनी दूर दूर से मेरे पास आते हो, बिल्कुल। और पार्टी बॉक्स की भी चर्चा करेंगे और सारी चीजें आपको दिखाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सर। तो दोस्तों साउंड बार से ही स्टार्ट कर देते हैं आज। यहाँ पर इसके अंदर मेरे पास आपको जो है 2 वेरिएंट मिल जाएंगे, एक तो 6.1 एक 4.1। अच्छा, 6.1 भी है, 4.1 भी है, ठीक है। 4.1 के अंदर यही साउंड बार आपको यहाँ पर 2 हिस्सों में मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर सबवूफर जो है आपको 8 इंच का मिल जाएगा, जो आपको मैंने 4.1 बताई है, ठीक है। यहाँ पर सामने 6.1 है तो इसी की हम बात करेंगे। यहाँ आपको 6.1 के अंदर सबसे पहले तो ये सबवूफर मिल जाता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के अंदर है। यहाँ पर देखिए आपको कर्व बिल्कुल मिलता है, क्वालिटी आपको बिल्कुल एनहेंस होके दी गई है इस बारी पूरा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको, अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर सामने आपको दिखाया था फिनिशिंग के ऊपर इस बारी खास ख्याल किया गया है। यहाँ पर सबवूफर लाइट्स भी है, जी हाँ, RGB लाइट्स है। और सबवूफर आपको एक मिल जाता है 10 इंची का, जो कि डाउन फायर वूफर है, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल्स यहाँ साइड में आपको सारे मिल जाते हैं, यहाँ पर कंट्रोल्स देख लीजिए, क्या बात है। ये बेस का कंट्रोल और ये वॉल्यूम का कंट्रोल रहेगा, बाकी ये सारे जो है यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये आपको पेन ड्राइव का फीचर यहाँ मिलता है, बैक साइड में इसके सारे कंट्रोल रहने वाले हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें साउंड बार की, तो यहाँ आपको साउंड बार के अंदर 4 ड्राइवर मिलते हैं, 1, 2, 3, 4। और ये रियर के आपको जो है 2 कंपोनेंट मिल जाते हैं। एक बार हम इसको वहां पर रखेंगे, अगर हम इसकी वोल्टेज की बात करें तो ये आपको, अगर RMS वॉट की बात करें तो 150 RMS वॉट के अंदर
अंदर ही आपको मिल जाता है। और इसके अंदर अगर हम आपकी बात करें रखने की, तो ये चीज का खास ख्याल रखना कि ये आपने रियर में ही लगाने हैं। ये वायर बहुत लंबी दी गई है, अभी मैं इसको सेटअप करके थोड़ा सा आपको जितनी कोशिश होगी उतना सेटअप करेंगे और इसको टेस्टिंग देते हैं कि कैसे इसको आपने प्ले करना है, कैसे मूवी का ट्रेलर चला के देख लेते हैं। जी हाँ, क्लैरिटी बहुत बढ़िया है, बेस बहुत अच्छी है, तो एक बार इसका सेटअप करके आपको उसकी टेस्टिंग देते हैं। ठीक है, और पहले मैं दिखाता हूँ आपको वायर, सब चेक करो कितने लंबे वायर से भाई, ये देखो ये चेक कर, अरे सर बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे हैं, यहाँ पर देख लीजिए भाई, ये चेक करो यार, ये देखो कहाँ तक आ गया, उसके बाद भी स्पेस बचा हुआ है। बिल्कुल, अभी मैं इसको यहाँ से और भी कर सकता हूँ आगे, पर मैं इसको यहीं पर रखूंगा। ठीक है, ये देखो भाई इतना लंबा वायर आपके साथ कंपोनेंट का आ गया, जो आपके रियर में रखे जाएंगे, और सामने आ चुका है आपका ये होम थिएटर, और फटाफट से एक बार इसको हम चला के दिखाते हैं, एक बार इसको हम प्ले करते हैं। चलो तो देखो भाई कनेक्ट हो रहा है आपके सामने, फिनिशिंग आप चेक कर सकते हो और साइज से पता लगा सकते हो कि साउंड क्या मिलने वाला है। 10 इंची सब ऊपर है, हालांकि देखिए मैं इसको ऊपर रखा हुआ है, मेरे को इसको जमीन पर रखना है। इसकी एक्चुअल में यूज करने की थ्योरी इसकी यही है कि आपको इसको नीचे रखना है, ऊपर नहीं रखना। यहाँ अगर ऊपर रख रहे हो तो सरफेस इसका हार्ड होना चाहिए, मेरे यहाँ पर देखिए सरफेस हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ एक जस्ट रेफरेंस के लिए एक साउंड टेस्टिंग दूंगा, हम टेस्टिंग लेते हैं, हेडफोन्स आप लगाना ताकि आप लोग समझ। चलो भाई हेडफोन लगा लो आप। तो यहाँ पर कनेक्ट हो गया हमारा, चलो भाई कनेक्ट कर रहे हैं आपके सामने और ये हो चुका है। चलो डन, तो कोई मूवी का ट्रेलर लेते हैं हम लोग, कोई हॉलीवुड मूवी का ले लेते हैं ट्रेलर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैप का लेते हैं एक बार। चलो बहुत जबरदस्त, मतलब बीच में आप अगर खड़े हो तो चारों तरफ से आपके साउंड आ रहा है, पूरा सराउंड आ रहा है। और एक बार हम इसकी जो है आपको साउंड जो है किसी सॉन्ग के अंदर भी टेस्टिंग देते हैं ताकि वो भी आप समझ पाए। ठीक है बढ़िया, जो हम बेस किंग का लगाते हैं वही लगा देते हैं। चलिए एक बार वो भी टेस्टिंग देते हैं आपको, यहाँ पर एक प्ले लगाते हैं। ठीक है, बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, मतलब बेस के साथ साथ क्लैरिटी के ऊपर भी पूरा काम चल रहा है मेरा और हमेशा चलता आएगा, क्योंकि देखिए हमारा काम जो है बेस के लिए जाना है, हम लोग रोलिंग बेस के लिए। बिल्कुल, इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम रोलिंग बेस इन्वेंट करने वाला फ्लो बीट्स है। बिल्कुल, जो आपके लिए गाड़ियों वाली बेस की फील घरों के अंदर, घरों के अंदर मिलती है। 4 साल का मेरा खुद का जो है साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद मैं इस फील्ड के अंदर आया, और आप लोगों तक जो है जितने भी मार्केट के लूप होल है वो मैंने पहुंचाए। चाहे आप बड़े से बड़ा ब्रांड ले लो, चाहे छोटे से छोटा कोई भी लोकल ले लो, आपको जो है बेस में परफेक्शन नहीं मिलता, आपको कोई भी लोज परफेक्ट नहीं देता। अगर देते हैं तो वो आपको बहुत बड़े ब्रांड्स के अंदर जाना पड़ता है, जिनकी अगर हम बात करें 2.5-3 लाख से रेंज होती है, पर हम आपको वही चीजें जो है देते हैं 15,000-20,000 रुपए के अंदर। बिल्कुल भाई, लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ, मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज रेट के साथ आपको चीजें प्रोवाइड करवाता हूँ। जैसे मेरा हीरा 4 प्रो में बात करूँ तो 27 हर्ट्ज रेट से परफॉर्म करता है। फॉक्स 11 की बात करें तो इसके अंदर हाईज हमने यहाँ पर दी है, हाईज के साथ आपको ये आउटडोर इनडोर के लिए दोनों ही परफेक्ट एकदम परफॉर्म करता है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर हमारे 6.1 साउंड बार सबवूफर की, जो कि 150 आरएमएस वाट के अंदर रहने वाला है। प्राइसिंग की अब बात कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते हैं, अगर मैं बात करूं ये साउंड बार अगर हम बाहर लेने जाएं तो कम से कम मैं कहता हूँ डिस्काउंट के बाद भी 30,000 रुपए से नीचे का ये नहीं मिलेगा। एक्जेक्टली, आप बड़े बड़े ब्रांड में देखना वहाँ पर 45,000 है आता है इतने का। ये है कि दो चीजें, एक तो डॉल्बी होता है और दूसरा क्या उसमें एचडीआई में ऑप्टिकल इन भी रहता है, मगर मेरा ये जो है सराउंड साउंड रहेगा और इसके अंदर ब्लूटूथ और ऑक्स ऑप्शन रहेगा, और प्राइसिंग 9,000 है, मगर अभी 9,000 आगे है, अभी आगे है। अच्छा, ऑफर के अंदर सिर्फ 6,000 के अंदर। अरे नहीं सर, बिल्कुल 6,000 रुपए में, 6,000 रुपए में पूरा आपको सेटअप मिलेगा भाई। 6,000 में वो जो मार्केट के जो कॉपी वाले आते हैं वो नहीं मिलते हैं और उसके अंदर कुछ साउंड नहीं रहता, सिर्फ एक लुक के लिए बस एक डब्बा होता है बॉक्स भाई साहब। 6,000 में क्या बात है। और जो दूसरा वाला है वो आपको मिल जाएगा 4,800 रुपीज का, 4,800 में 4.1 मिल जाएगा भाई, गजब।
मतलब बीट कर दिया सब कुछ. एग्जैक्टली डबल टावर छोटे भी मेरे पास आने वाले हैं जो वर्थ रुपीज 4000 होंगे. मेरी वेबसाइट flowbeats.in से आपको मिल जाएंगे. बहुत ही प्यारे हैं. आज उसकी टेस्टिंग भी आपको दे दूंगा मैं. इसका नाम है पार्टी बूस्टर. ठीक है, आपको मिल जाएगा. इसके बाद देखिए बात करते हैं, वापस रख लेता हूँ इसको ताकि मुझे इधर उधर आने में कोई प्रॉब्लम. क्या बात है भाई. और वायर सबसे मेन बात है, वायर कितनी बड़ी मिल गई आपको, अलग से कटिंग करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा लगाने की. ये देख लो गजब एकदम बढ़िया चीज दे दी. अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपने टावर्स के अंदर. देखिए टावर की मैं बात करूं तो ब्लैक डायमंड जो मेरी हीरा सीरीज का पार्ट है सबसे टॉप नॉच क्वालिटी है. मतलब है. लोग जब यहां आके सुनते हैं तो हैरान होते हैं. अगर मैं नहीं बताऊं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि इसी के अंदर से साउंड आ रहा है. लोगों के बड़े बड़े टावर्स को मैं फेल कर देता हूं अपने इन टावर स्पीकर से. क्या बात है. मल्टीपल रीजन है, सुन के जाइएगा. बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ. डबल टावर है, शेल का साइज एक ऐसे अकॉर्डिंग रखा गया है. मेट्रिक वेट में निकाल के फिर जो है उसके अंदर साउंड को डिजाइन करता हूँ. सॉफ्टवेयर के थ्रू साउंड को डिजाइन करते हैं हम लोग अपनी टीम के साथ. बहुत कैपेबल टीम है हमारे पास. हम लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, सिर्फ एक मिडिल क्लास लोगों तक जो है अपने अच्छा आप को पहुंचाते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाना है. यही सिर्फ हमें अचीव किया है और यही हमारा जो है मुद्दा है शुरू से. ठीक है. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 6 इंची सब बूफर है 90 मैग्नेट के अंदर दोनों तरफ. ठीक है. और यहाँ पर आपको 4 इंची फुल रेंज के स्पीकर्स मिल जाते हैं. ठीक है. फुल रेंज का मतलब ये होता है कि जहां से वोकल और जहां से बीट्स आपको आती है उनको बोला जाता है. अब 6 इंची को ऑपरेट करने के लिए देखिए जब तक आपको हम लोग कंपैरिजन नहीं बताएंगे आपको नहीं समझ आएगा मैं क्या दे रहा हूँ. मार्केट के अंदर 6 इंची को ऑपरेट करने के लिए 20-50 आईसी का इस्तेमाल किया जाता है. चार तरह की आईसी होती है, 20-30 जो सामने के ड्राइवर को चलाती है, चाहे कोई भी टावर स्पीकर हो 20-30 का ही इस्तेमाल किया जाता है उससे. 20-50 से 50 वॉट की आईसी होती है, उससे आपका 8 इंच 6 इंच 10 इंच तक भी लोग चला देते हैं और मार्केट के अंदर उसी से ही चलता है 20-50 आईसी से. ठीक है. उसके बाद 72-65 आईसी आती है जिसमें फोर्स ज्यादा नहीं रहता, थोड़ी मीठी आवाज रहती है मगर बेस का उसके अंदर आपको बहुत मजा नहीं आता, पर आईसी बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. उसके बाद आता है 72-94 आईसी. मतलब इतनी नॉलेज रख पाना बहुत बड़ी बात है भाई. जी हाँ, इन आईसी का बाप आता है, वो उसकी फोर्सिंग उसकी पावर बहुत ज्यादा, उसका पंच बड़ा जबरदस्त होता है. वो आईसी कॉस्टली होती है तो इसलिए हर कोई नहीं लगाता मार्केट में, खासकर लोग नहीं लगाते. क्यों? क्योंकि उन्होंने आप तक जो है सस्ते से सस्ते में चीज पहुंचानी है, आपको पैसों का लालच देके कि भाई मैं इतना सस्ता दे रहा हूँ. बिग गया तो बाद में कौन देख रहा है. बिल्कुल. मगर मैं यहाँ पर छोटे टावर के अंदर 20-50 आईसी 20-30 लगा सकता हूँ. नहीं, मैंने 20-50 नहीं लगाई, मैंने 72-65 नहीं लगाई, 72-94 आईसी के अंदर मैं इसको बनाता हूँ. अच्छा. जी हाँ, इसकी टेस्टिंग आपको यहाँ पर सुनाऊंगा. 72-94 आईसी फुल रेंज के स्पीकर 6-6 इंची 90 मैग्नेट लगाया है. अच्छा. उससे भी बड़ी बात ये कि यहाँ पर देखो आपको माइक भी साथ में. बिल्कुल. अच्छा, माइक भी साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट. जी हाँ, वायर की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो वायर देख लो. बिल्कुल मेरा डिफरेंट काम है, हटके काम है मार्केट से. एयर एग्जॉस्ट अगर आप देखेंगे तो फ्रंट में ना देके बैक में दिया गया है ताकि आपको एक नेक्स्ट लेवल का बेस आए. और इसके लोज बड़े परफेक्ट हैं. जिन लोगों को वोकल्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, जिनको बैलेंस साउंड चाहिए, जिनको गाड़ियों वाली बेस की फील चाहिए, अंडर बजट आग बंद करके ले लेना, मेरी गारंटी से ले लेना. मैं जो बोल दूंगा वो पत्थर पे लकीर है. ठीक है. सुना के भी दिखाता हूँ और इसको खोल के भी दिखाता हूँ. चलो भाई. सो गाइस, अब आपको दिखाते हैं भाई, ये आ चुका है ब्लैक डायमंड और इसकी उन्होंने टेस्टिंग. चलो सर स्टार्ट करते हैं. हेडफोन्स प्लीज जरूर लगाएं क्योंकि मैंने आपको इतनी जो डिटेलिंग में बताई है वो बताने का फायदा ही तभी है जब आप इसको हेडफोन लगा के सुनोगे, नहीं तो सब कुछ जो है बेकार हो जाएगा. बढ़िया. चलिए प्ले करते हैं. भी करता जाऊंगा उससे भी आप देख लीजिएगा कि स्लो वॉल्यूम के अंदर मैं बोलता हूँ बात के मेरे लोस बड़े परफेक्ट बड़े परफेक्ट आते हैं. कम कर लेना, बेस आपको खत्म नहीं होगा, परफेक्टली वैसे ही आएगा. चलिए एक बार वो भी आपको ठीक है. डन. जबरदस्त भाई. एक और चीज है, माइक भी है इसके साथ. कॉर्डलेस माइक भी साथ में है इसके. ठीक है. और गाना भी आप गा सकते हो. कैरियोके है इसके अंदर. ठीक है. ये आपके लिए बेस्ट चीज दी है. लेकिन सर अब मैं एक बात बताऊं, जो साउंड मुझे इसका लगा ना, अगर मैं मार्केट में लेने जाऊं तो ये आराम से 25,000 रुपए का आएगा. एग्जैक्टली. वो इतने बड़े बड़े उनके टावर होंगे. हाँ. इतने छोटे इतने का आएगा. इतने छोटे आपको मिलेंगे भी, आप देख लीजिए शोरूम में बड़े भी होंगे मगर फिर भी आपको ऐसा ही लेकिन क्रिस्टल क्लियर वॉइस ये वाली नहीं मिलेगी. हाँ. मिल पाएगी क्योंकि मैं फिर से बोलू कि मेरा काम ही सिर्फ और सिर्फ साउंड को लेके है. मतलब इसी के अंदर मेरा परफेक्शन है और इसी के लिए जो है मैं लगा हूं अपने पिछले 4 साल के से और अपनी टीम के साथ. मैं बोलता हूं कि ये इस इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आऊंगा. अगर 2 साल पहले देख लो और 2 साल से अब तक देख लो तो काफी कुछ चेंजेस है. इवन के मुझे
देख के बहुत लोग आगे आए हैं यहाँ पर, मगर सिर्फ कॉपी करते, अपना कुछ नहीं कर पाए, मगर सिर्फ कॉपी पर, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो आपके लिए बढ़िया चल ही रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये तो रहा मेरा ब्लैक डायमंड। इसके बाद अगर आप चाहो प्राइस की बात करते हैं, प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइसिंग जो है मात्र 5200 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा, 5200 में दे देंगे सिर्फ, 100 विद कोर्डलेस माइक दूंगा आपको, बढ़िया। और किसी भी स्टेट में आप मेरे से मंगवा लो, आप चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे आप उत्तराखंड में हो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में हो, वेस्ट बंगाल, और इसके अलावा कहीं पर भी, किसी भी स्टेट, साउथ में गई हो, साउथ में भी, गुजरात में भी, यूपी वाले या कि एनसीआर वाले, तो यहाँ पर आ ही जाए मेरे पास, उनको भी मिल जाएगा। कोशिश करेंगे ऑन स्पॉट अवेलेबिलिटी दें आपको, क्योंकि हालांकि डिमांड बहुत ज्यादा होती है, मेरे पास 3-3 यूनिट है, फिर भी आप लोगों के लिए डिमांड पूरी नहीं कर पाता, इतना ज्यादा आप लोग हमें प्यार देते हो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसके बाद हमारा एक स्मॉल हीरा वेरियंट आता है जो इससे थोड़ा सा ऊपर है, और इसकी हाइट 24 इंच, उसकी भी 24 इंच है, उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ जाती है, और उसके अंदर आपको जो है 8 इंची सबवूफर मिलता है, और मिड रेंज के साथ आपको जो है वहां पर हाइज भी मिलती है, उसके वोकल थोड़े और हाई होते हैं, और बीट्स उसकी थोड़ी शार्प हो जाती है, ठीक है। ये उसमें और इसमें फर्क रहता है, ये जो है 120 आरएमएस वॉट के अंदर है, वो आपका 150 आरएमएस वॉट के अंदर रहता है। तो मैंने दोनों में डिफरेंस समझा दिया, वो 5800 का है विदाउट कोर्डलेस माइक, विदाउट कोर्डलेस। अब बात आती है हमारे अगले मॉडल की, हीरा 120। ओके, प्रो बीट्स की शुरुआत हुई थी हीरा 1 से, उसका जब मॉडल था वो 6500 मॉडल के नाम से आया था, ठीक है। आप लोगों ने इतना पसंद किया उसकी बेस को लेके, वो नया नया ट्रेंड था मार्केट के अंदर, गाड़ी वाली बेस की फील, जब वो चलता था ये तो पूरी वाइब्रेशन कंपन होती थी, जैसे कि हमारा अभी ब्लैक डायमंड भी ऐसी फील आपको दे रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर फिर लोगों ने बोला कि सर वो आपका हीरा है, तो हमने जो है हीरा सीरीज स्टार्ट वहीं से की, ठीक है। और H1 H2 लेके आए आपकी डिमांड पर, आपने और डिमांड क्रिएट की, तो H3 ले आए, हीरा 3 प्रो ले आए, आपने और डिमांड की हीरा 4 ले आए, अब 5 आने वाला भाई, डिमांड की तो हीरा 5। मैं बोलता हूँ टेस्टिंग देते हैं 5 की, दे दे है, आज 5 की टेस्टिंग दे देते हैं, चलो ठीक है, टेस्टिंग दे पाऊंगा। मैंने फिर से बोला अभी उसके मोल्ड बनने जा रहे हैं, सब कुछ बनने जा रहा है, 4 महीने लगेंगे उसको रेडी होते, पर साउंड जो है वो डिजाइन हो चुका है, तो साउंड आपको जरूर सुनाएंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हीरा 1 की बात कर लेते हैं, हीरा 1 के अंदर आपको 8-8 इंची 2 सबवूफर मिलते हैं, वो 100 मैग्नेट के अंदर, और यहाँ पर आपको 4 इंची हाइज मिलती है, 4 इंची मिड रेंज मिलती है। अब इसके पैटर्न की बात करते हैं, देखिए टोटल वुडन के अंदर आपको दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं सेंटर के अंदर, ये अलग पार्ट है, अच्छा ये अलग पार्ट है, इसके पीछे एक और पार्ट है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि कोई जल्दी से कॉपी ना कर पाए, ओके। 3 लेयर है इसके अंदर, एक इसके पीछे कंपार्टमेंट है जो कि बेस को इनसे अलग करता है, पूरा एक रूम अलग बना हुआ है इसकी बैक साइड में, उसके बाद जो है फिर एक आगे एक और पोर्शन, उसके बाद ये आगे से ग्रिल लगाई गई है वुडन की, ठीक है। टोटल 3 लेयर के साथ इसको जो है डिजाइन किया गया है, ताकि जब बेस आए तो वोकल और ट्रबल डिस्टर्ब ना हो इस छोटे से मॉडल के अंदर, इतनी जो है हमने डिटेलिंग आपको दी है। इसके अलावा यहाँ पर आप कंट्रोल देख रहे हैं, कंट्रोल का भी अलग कंपार्टमेंट है, उसको इसके साथ मिक्स नहीं किया गया ताकि बेस यहाँ से भी डिस्टर्ब ना करे आपको। और यहाँ पर आपको हाइट की बात करें, 32 इंच हाइट मिल जाती है, 7294 IC के अंदर इसको बनाया गया है। टोटल RMS वॉट इसका आपको जो है 200 मिल जाता है, डबल टावर है, और यहाँ पर विड्थ की बात करें तो 7.5 इंच की विड्थ मिलती है। लोज इसके भी बड़े परफेक्ट है, साउंड की अगर बात करूं तो माइंड ब्लोइंग है, बड़े बड़े टावर्स को मात देता है, क्लैरिटी के नाम पे टॉप नॉच है, और ये भी जो है 35 हर्ट्ज से परफॉर्म करता है, कोई भी सॉन्ग प्ले कर लो आपको जो है ऐसा नहीं लगेगा कि यार कहां पर जो है मैं प्ले कर रहा हूँ अपने आप। प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है इस मॉडल की अगर प्राइसिंग की बात करें तो विदाउट कोर्डलेस माइक आपको 7000 मिल जाएगा, और कोर्डलेस माइक के साथ आपको 7500। अच्छा, 7500 कोर्डलेस माइक के साथ मिल जाएगा, कोर्डलेस माइक क्या बात है, 7500 कैरियो की आप कर सकते हैं। अब मैं आपको जो एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा यहाँ पर ब्लैक डायमंड है, ये जो है ऐसा साउंड क्यों प्रोड्यूस करता है, इसको खोल के दिखाते हैं हम आप। सुपा जी एक बात बताओ मेरे को, सारे मैंने देख लिए, आज मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और ये बहुत दिखा रहा है, ऐसा क्या खास है इसके अंदर? इसके अंदर बहुत चीजें खास हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि आप जब डीजे सुनते हो मार्केट के अंदर, ठीक है, तो डीजे के अंदर आपको बेस बहुत जबरदस्त मिलता है, बिल्कुल। अगर क्लैरिटी की बात करें तो वो नहीं मिलती, नहीं मिलती। तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाए, और अगर उसके अंदर नाचने को मिले, तो कितना मजा आए। मतलब कह रहे हो बेस अच्छा और क्लैरिटी भी है, क्लैरिटी भी फुल है, और सबसे बड़ी बात फ्रंट फायर वूफर के अंदर लेके आया। अच्छा, अब क्लैरिटी क्यों ज्यादा है, और मैंने इसको डीजे से कंपेयर क्यों किया, हाँ। यहाँ पर जो एकदम नजर गड़ा के देखना, हाइज आपको मिल रही है यहाँ, ठीक है। जो डीजे के अंदर आपको बड़ी बड़ी हाइज मिलती है, वही हाइज मैंने आपको दी है। नॉर्मल जो ट्यूटर होता है हमारा, यहाँ पर आप ट्यूटर देख लीजिए, ये 15 वॉट के अंदर होता है। ट्यूटर का काम ये होता है,
बीट्स निकालना, बिल्कुल वोकल का काम होता है मिड रेंज से वोकल, और बीट्स आती है आपकी ट्यूटर से, तो ये ट्यूटर और बीट्स का काम दोनों का करता है हाईस। ठीक है, यहाँ पर जो है आपकी मिड रेंज या ट्यूटर 15 वाट का होता है, ये 60 वाट की है, ठीक है, चार गुना ज्यादा परफॉर्म करती है। इसका मतलब ये है कि आप इसको इनडोर में चला लो चाहे आउटडोर में चला लो, वहां पर कहीं पर भी आपको एम्बेरेस या फिर कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कि यार ये मैंने यहाँ ओपन में चलाया तो साउंड इसका जो है गायब हो गया या कम लग रहा है, बिल्कुल भी लगेगा। और यहाँ पर आपको 10-10 इंची दो सबवूफर मिलते हैं 120 के, जी हाँ 10 इंची 120 मैग्नेट साइज के, साइज कोई मैटर नहीं करता, 10 इंची 15 इंची 12 इंची कुछ मैटर नहीं करता। मेरे को आप बोलोगे 8 इंची से मैं 15 इंची को फेल करके दिखा दूंगा, ऐसा भी करके दिखाऊंगा जब 8 इंची के अंदर 155 मैग्नेट मैं बना दूंगा, अच्छा तो वो भी हो जाएगा पॉसिबिलिटी, वो ऑन डिमांड किसी टाइम पे उसके ऊपर भी काम करेंगे, पर आज इसकी बात करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि साउंड कैसे डिजाइन होता है, यहाँ पर देखिए इसका साइज, ओके ये आपको 14x13 का साइज मिलता है, और यहाँ हाइट आपको जो मिलती है वो 36 इंच के अराउंड मिलती है, अच्छा जिससे कि वॉल्यूमेट्रिक वेट का हमने साइज निकाल के फिर इसके अंदर जो है साउंड को डिजाइन किया और ऐसा आपके सामने प्रोडक्ट लेके आए हैं। और यहाँ पर इसका अगर इसकी बात करें वॉल थिकनेस की, तो 13.5 mm की वॉल थिकनेस मिल जाती है, और मॉस्फेट इसके अंदर लगे हैं 5200 के चार मॉस्फेट। हम खुद से मॉस्फेट अपने इंपोर्ट करते हैं जापान से, खुद से सर्किट को डिजाइन करते हैं, यहाँ तक की जो है कॉम्पोनेंट भी होते हैं बहुत बारीकी से उसको जो है देखा जाता है और क्या चीज के अंदर डाली जाएगी, कैसे फिल्टर यूज होंगे, और सबसे बड़ी बात के सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने जो है साउंड को डिजाइन करते हैं, ताकि आप लोगों को क्या देना है, पंच बेस देनी है, डीप बेस देनी है, पंच प्लस रोलिंग बेस देनी है, डीप प्लस रोलिंग बेस देनी है, वो देखा जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर फोक्स 11 का जो साउंड सिग्नेचर है वो पंच प्लस रोलिंग बेस आपको दिया गया, तो एक बार इसकी टेस्टिंग लेते हैं। हालांकि पीछे कोई भी वॉल नहीं है पर फिर भी बेस फील करना, अगर मैंने इसको एक वॉल की सपोर्ट दे दी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या इसका साउंड रहने वाला। एक बार इसको प्ले करते हैं, ठीक है, एक बार प्ले करके दिखाते हैं। और इसका कुछ मॉडल नेम है फॉक्स 11, ठीक है, ओके। तो आप एक बार प्ले करके दिखाते हैं भाई क्या चीज आने वाली है आपके सामने, कनेक्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो गाइस अब आपको प्ले करने वाले हैं इसका साउंड, चेक करा के चलो प्लीज जरूर लगाइएगा। चलो बढ़िया गजब, एक वोकल का वो भी टेस्टिंग दूं सॉन्ग्स के ऊपर, देखते हैं हम लोग कि क्या हो पाएगा। एक बार और वो बीट्स, एक बार और चलिए भाई आपको दिखाता हूँ जादू, देखते हैं अभी, ठीक है। ये देखो यार क्या बात है, गजब, बढ़िया बढ़िया। तो एक बार हम इसका जो है सॉन्ग टेस्टिंग लेते हैं वोकल्स के ऊपर के वोकल इसके कैसे रहने वाले हैं, ठीक है, प्लीज जरूर उस पे भी लगाएं आप, बढ़िया। बढ़िया बहुत ही बढ़िया, मैंने दोनों चीजों में आपको टेस्टिंग दे दी है ताकि बेस में भी आपको कोई भी जो है डाउट ना हो और वोकल्स के अंदर भी कोई डाउट ना हो। देखिए यहाँ पर फिर से एक चीज बताऊं कि ये हाई जितने भी लोग यूज करते हैं सब लोकल यूज करते हैं, मैं इंपोर्टेड हाईज यूज करता हूँ ताकि कहीं पर क्रैकलिंग ना आए बिल्कुल भी साउंड के अंदर, क्योंकि जो साउंड का मतलब है जो उसका मेथड है अगर हमने वही फॉलो नहीं किया तो कोई मकसद नहीं है हमारा इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने का, बिल्कुल जीरो है। बस इसी चीज को मद्देनजर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया और एक रेवोल्यूशन मैंने जो है बनाया है, और आने वाले टाइम के अंदर जो है ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपको दे दूंगा कि आपकी सोच से परे रहने वाले हैं, ऐसी चीजें मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ जो बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। क्या बात है, तो इस महंगी चीज की कितनी महंगी वैल्यू है बताओ, 19,500 रुपए इसका प्राइस है डबल टावर, बस 19,500 दोनों का, 15,500 में दे देंगे, 15,500 में दे देंगे, ऑफर प्राइस है। क्या बात है जी, बढ़िया बढ़िया। चलो तो अब एक कमाल कर दे, मुझे दिखाओ जो खोल के, जो आपकी स्पेशल एक टेक्निक है ना कि भाई खोल के दिखा देते कि क्या चीज आती है। लो लो भाई आपके सामने ये हम खोलने आ रहे हैं ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड, ठीक है, बाकी तो भूल जाओ, इसी का दिखाया जाए क्या आने वाला है। देखो प्रॉपर खोल के दिखाएंगे, चेक कर सकते हो। अच्छा इसमें से भी ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा, ये बैक साइड है इसकी, बैक प्लेट है टोटल, ये भी वुडन के अंदर ही यूज की जाती है, ठीक है। और अच्छा वुडन होता है, प्लाई होता है, ये वुडन होती है मतलब अपना ग्रीन प्लाई होती है, ठीक है जी हाँ, क्योंकि ये हमेशा चीज नोटिस करनी है कि साउंड किसके अंदर बनेगा। ये यहाँ पर मैं दिखाया था आपको, इसका साउंड ये है, इसका साउंड ये है, ये देखिए प्लास्टिक, इसका साउंड अलग है, ये सबका साउंड अलग अलग रहेगा, ठीक है, यही से साउंड डिजाइन होता है, डिसाइड होता है कि कैसा रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपको एक बार भाई खोल के दिखा देते हैं प्रॉपर, चेक कर सकते हो, दो नट रह रहे हैं बस, एक और है लास्ट। चलो तो ये खुल चुका भाई, ये देख लो, ओहो
तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये दो 20-30 की आईसी हैं, ठीक है, जो एक इसको ऑपरेट करती हैं और एक अगले वाले को मिड रेंज को ऑपरेट करती है। उसके बाद ये देखिए ये रहा हमारा 7294 आईसी, अच्छा ये देखिए 7294 7294 आईसी जो ये दोनों वूफर्स को ऑपरेट करता है, ठीक है, और आप लोगों तक ऐसा साउंड जो है प्रोवाइड करवाता है। हालांकि जितने भी मार्केट के अंदर है वो यही 20-30 आईसी को यहाँ पर लगाते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है इतना हैवी लगाने की। और यहाँ पर ऑडियो बोर्ड देखो कितना बड़ा डिजाइन किया गया, चार फिल्टर यहाँ पर यूज किए गए हैं, दो नहीं चार फिल्टर्स लगाए गए हैं। मैं फिर से बोलता हूँ कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और देखिए जहां जहां भी जो है मेरी वायरिंग है वहां पर आपको टोटली जो है यहाँ ग्लू मिलेगी, टोटली ग्लू मिलेगी, ताकि कहीं पर भी आपको जो है एयर लीकेज का सामना ना करना पड़े और ना ही वायर जो है कहीं पर भी डिस्कनेक्ट हो। ये चीजों का खास ख्याल किया जाता है। इतना कुछ ना खोल के ना एक फ्लो बीटी बता सकता हूं और बताएगा नहीं। हैवी साउंड इतना ज्यादा है कि ये आईसी को देखिए एक यहाँ पर एक स्ट्रिप से जो है बांधा गया लोहे की, यहाँ पर देखिए ग्रिपिंग की गई है ताकि ये भी जो है लूज ना हो, और ये आईसी को भी जो है इसको स्क्रू किया गया है ताकि यहाँ से भी जो है ये लूज ना हो। अगर ये चीजें लूज हो गई तो साउंड के अंदर जो है क्रैकलिंग भी आएगी और कहीं ना कहीं नॉइज भी डिस्टॉर्शन भी आएगी, इसलिए इन चीजों को जो है बहुत बारीकी से डिजाइन करते हैं हम लोग। और यहाँ पर फ्लो बीट्स आपको ब्रांडिंग भी, ये तो नोटिस मैंने आप किया है जी, बढ़िया। तो ये देख सकते हो भाई प्रॉपर खोल के दिखा दिया। और यहाँ पर एयर सीलिंग पूरी देखिए की गई है ताकि एयर यहाँ से प्रेशर ना निकले, जिसकी वजह से क्या होगा बेस में आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एक चीज और नोटिस करने वाली है, देखिए यहाँ पर जब बेस निकलती है तो एयर पूरी घूम के फिर यहाँ से निकलती है एयर एग्जॉस्ट से, तो यहाँ मिड रेंज को देखिए पीछे पूरा यहाँ से कवर किया गया है ताकि एयर जो है वहां पर मिड रेंज में जाके वोकल्स को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर कंट्रोल्स है उसको भी जो है कवर किया गया, यहाँ उसका भी कंपार्टमेंट अलग बनाया गया है ताकि एयर वहां से भी ना निकले। जितना ज्यादा जो है सिस्टम आपका बंधा होगा, जितने ज्यादा उसके अंदर कम उसके अंदर होल्स होंगे उतनी ज्यादा बेस आपको अच्छी मिलेगी, क्या बात, ये हमेशा नोटिस करना है। बढ़िया बढ़िया बहुत। इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं भाई, ये आ चुका है सर, कौन कौन सा मॉडल आ चुके हैं भाई, ऑक्टेवियम 10.2। जी हाँ, ये जो अगर आप डिजाइन देखेंगे तो डिजाइन जो है अलग ही है कुछ, बिल्कुल मार्केट में मेरे को लगता है मिलेगा नहीं, बहुत सिंपल सोबर है। हाँ? यहाँ पर देखेंगे टीक वुड का पूरा डार्क कलर दिया गया इसके अंदर और ऊपर नीचे ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया, नीचे आपको जो है वुडन पैनल मिल जाता है, ठीक है, और वहीं पर ऊपर आपको फैब्रिक का ब्लैक पैनल मिलता है जिसके अंदर आपको यहाँ पर लाइट्स मिलती है नियॉन की, पूरी एकदम स्लिंग लाइट्स मिलती है राउंड के अंदर। यहाँ 4 इंची मिड रेंज, 4 इंची आपको जो है यहाँ पर ट्विटर मिलता है और ये 10 इंची जो है आपको 100+70 ड्यूल मैग्नेट दिया गया है। हाइट की बात करें तो 35 इंचेस की हाइट है, 35 इंच की, ठीक है, डबल टावर है, फ्रंट फायर वूफर के अंदर रहने वाला है, कंट्रोल इसके सारे आपको ऊपर मिल जाते हैं। प्राइसिंग सुन के आप हैरान हो जाएंगे, मॉस्फेट के अंदर ही इसको बनाया गया है और 15,000 रुपए का है मगर 12,500 के अंदर आपको, मतलब हर स्पीकर पे ऑफर चल रहा है क्या? जी हाँ, हर स्पीकर पे ऑफर चल रहा है और डबल टावर के अंदर है, फ्रंट फायर वूफर है, वो भी डबल मिल रहा है आपको इतने प्राइस में, डबल मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कंट्रोल ऊपर है तो यहाँ पर जो है खाली आपको जो है रिमोट का पूरा कंट्रोल आपका यहाँ से रहेगा मगर डिस्प्ले आपको सारा ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका डबल टावर हो गया 12,500। अब एक चीज की चर्चा बनी है कि इंडिया का सबसे बड़ा टावर स्पीकर जो फ्लोबिट्स द्वारा बनाया गया है, ठीक है, वो क्या चीज है भाई, ये चेक करो, अर्थक्वेक 2। मतलब भाई चार तो सामने स्पीकर ही आ गए इसके, 4 और 4 8 आठ, फ्रंट के अंदर आपको 8 4 स्पीकर, 4 जो है आपको ट्यूटर मिल जाते हैं, टोटल 8 ड्राइवर मिलते हैं, ठीक है, और साइडों में आपको 8 सबवूफर मिलते हैं, 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर। अच्छा 4 और 4 है? जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई ये तो सच में अर्थक्वेक ला देगा ना। जी हाँ, टोटल 16 ड्राइवर के साथ इसको बनाया गया है 55 इंच हाइट के अंदर। और उससे भी बढ़िया बात ये है कि यहाँ एक बार इसकी बैक साइड में देख लीजिए। ओके, सबसे बड़ी पहले तो यहाँ पर हीट सिंक देख लीजिए, ये जो है लार्जेस्ट हीट सिंक हमारे द्वारा यूज की गई, इसके बाद सीधा सुपर मैसिव की हीट सिंक है, सबसे बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको HDMI और ऑप्टिकल इनके साथ मिलता है, ऑप्टिकल इन और ये HDMI आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कंट्रोल सारे आपको ये मिल जाते हैं और ये इंटरकनेक्टेड टावर की वायर है, ये भी आपको MOSFET के अंदर ही मिलता है। देखिए अगर आपको पावर चाहिए सिस्टम के अंदर तो आपको MOSFET में जाना ही पड़ेगा, जबकि मोस्टली जितने भी आप मार्केट के अंदर टावर देख लो कोई MOSFET के अंदर नहीं बनाता, सारे जो है 7294 आईसी के अंदर लगे हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ एक FlowBeats एक ऐसा ब्रांड है जो MOSFET के अंदर गया, क्योंकि MOSFET सर्किट बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, ठीक है, इसका डबल चैनल होते हैं, अगर आपका एक प्लस कॉस्टली भी होगा, जी हाँ कॉस्टली रहता है, पर फिर भी जो है मार्केट अकॉर्डिंग हमारा कोई कॉस्टली नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट में फिर से बोलता हूँ बल्क में जो है लेते हैं और सीधा
डायरेक्ट हम इम्पोर्ट करवाते हैं जापान से, तो इसी वजह से जो है कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, यही कारण है कि आपको जो है, और बीच में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं रहता। तो मैं बात कर रहा था मॉस्फेट की, मॉस्फेट सर्किट जो है बहुत डेलिकेट होता है, हर किसी के बस की नहीं होती। इसमें जो है चैनल दो चलते हैं, अगर एक मॉस्फेट उड़ गया तो आपको पूरा चैनल जो है देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके अंदर सारी चेंजेस करने पड़ेंगे, नहीं तो क्या, अगर आपने एक मॉस्फेट खाली दोबारा लगाया तो फिर उड़ जाएगा वो। अच्छा, तो मैं आपको मतलब ये बहुत डिटेल है, आपको शॉर्ट में करके बता रहा हूँ, शॉर्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर प्राइसिंग की बात करें, 24,000 में आपको जो है अर्थक्वेक 2 मिल जाता है, मगर मैं आपको आज ऑफर के अंदर दूंगा सिर्फ और सिर्फ 17,000 रुपीस। 17,000 में इतना बड़ा, सिर्फ 17,000 रुपए के अंदर डबल सिंगल डबल टावर वोकल। मैं बोल दूं कि वोकल इसके अंदर बहुत क्लियर है, आप आउटडोर में भी यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वोकल आपको पूरे परफेक्शन के साथ मिलेंगे। ठीक है, और बेस का आपको साउंड सिग्नेचर जरूर सुन के जाना, पंच प्लस रोलिंग बेस के अंदर आपको ये मिल जाता है। बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है जी, और प्राइस एकदम अमेजिंग अमेजिंग प्राइस। अब बात आती है मेरे पार्टी बॉक्स की। बिल्कुल, पार्टी बॉक्स की बात करें तो आप बड़े बड़े शोरूम में जाते हो और ऐसी चीजें देखते हो 40,000 50,000 लेने का दिल करता मगर ले नहीं पाते। रीजन उसका यही है कि प्राइसिंग बहुत चीजें देखनी है, इनकम इतनी नहीं होती, अपनी फैमिली भी देखनी है, घर भी देखना, और ऐसी चीज के ऊपर इतना पैसा स्पेंड करना नहीं समझ आता। बिल्कुल, लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि फ्लो बिट उतना ही साउंड वही क्वालिटी आपको आधे से भी कम प्राइस में, आधे से भी कम प्राइस में। ठीक है, अभी आप प्राइस भी आपको बताएंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर आपको जो है 10-10 इंची दो जो है सबवूफर मिलते हैं, और यहाँ पर आपको इसके साथ साथ इधर हाइज भी मिल जाती है, और पूरी मेटल ग्रिल के अंदर ये रहने वाला है, बहुत हैवी प्रोडक्ट है। इसके साथ यहाँ पर फुली लोडेड सारे मोड है, फुली लोडेड कंसोल है, डिस्प्ले ऊपर है, ये आपको जो है वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ये माइक का वॉल्यूम मिल जाता है। इसके अलावा ये सारे कंट्रोल आप देख रहे हैं, माइक का आपको ट्रबल भी कंट्रोल करने को मिलता है, बेस भी कंट्रोल करने को मिलता है, और यहाँ पर इको भी कंट्रोल करने को मिलता है। बेस ट्रबल इसलिए है कि माइक में अगर आप सिंगिंग करते हैं तो अपनी आवाज को बारीक या भारी करने के लिए ये यूज में आता है। इसके अलावा यहाँ पर माइक प्रायोरिटी का ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, TWS का फीचर भी है, एक्स्ट्रा बेस का फीचर भी है, यहाँ पर AC/DC दोनों रहेगा। ये दो माइक आपको UHF मिलेंगे, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मेटल के, जो अभी तक कोई नहीं दे पाया, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेटल की क्वालिटी देख लेना। क्या बात है भाई, प्रोफेशनल माइक मिलेगा, प्रोफेशनल माइक मिलेंगे यहाँ पर आपको, देखिए पूरा मेटल के अंदर रहेगा ये वाला, नहीं तो अभी तक जितने भी माइक थे सारे वुडन के अंदर, सॉरी सारे प्लास्टिक के अंदर मिलते थे, और दो माइक रहने वाले हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर दो माइक आप और कनेक्ट कर सकते हो, गिटार का ऑप्शन आपको दिया गया है, टोटल कैरियो के पर्पस से है, आपका मिनी ऑर्केस्ट्रा भी आप इसको बना सकते हैं, जैसे आपने गिटार लगा दिया साथ में गिटार भी बज रहा है, और अगर आप जो है चाहे हारमोनियम वगैरह कोई भी प्ले कर रहा है, सिंगिंग करने के लिए पूरा प्रोफेशनल है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, TWS का फीचर, दो पार्टी बॉक्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए व्हील्स वगैरह लगे हैं। अब बात आती है मुद्दे की कि भाई बाहर लेके गया तो बैटरी बैकअप क्या रहेगा। बैटरी बैकअप की बात करें तो पहला पार्टी बॉक्स ऐसा है जो 7-8 घंटे बैकअप देता है आपको, 7-8 घंटे एग्जैक्ट इतना ही देगा, क्योंकि 12 एम्पेयर की बैटरी है, जितने भी आपको मार्केट के अंदर मिल रहे हैं सब 7 एम्पेयर बैटरी के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, 1500-2000 सस्ते होंगे, मगर उतना सामान भी कम लगा है, और माइक भी उसके अंदर जो है UHF ओरिजिनल नहीं है, UHF के नाम पे सिर्फ जो है UHF है, बाकी 50 मीटर रेंज वाले नहीं है, ना ही उनकी क्लैरिटी क्वालिटी ऐसी रहेगी। तो मैंने आपको माइक इसलिए खोल के दिखाया है कि बी अवेयर के आपको कहीं पर जो है 2500 का लालच दे के कहीं सस्ता प्रोडक्ट ना चेप दिया जाए। ठीक है, लेट ले लो, रुक के ले लो, पर अच्छी क्वालिटी लो। अब जो है इसकी टेस्टिंग थोड़ी सी दे देते हैं हम लोग, इसके बताते हैं प्राइस के बारे में। प्राइस की बात करें 25,000 इसका प्राइस है, मगर अभी ऑफर प्राइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मिल जाएगा 16,000 रुपए के अंदर। भाई 9,000 उड़ा दिए, 9,000, और इससे पहले 100 RMS वॉट का 18,500 का सेल हो रहा था, मगर अभी जो है किसी तरीके से आपसे कॉस्ट जो है पीछे से कम करके लेके आए, ताकि आप लोगों तक भी जो है ऐसी कॉस्टिंग अंदर प्रोडक्ट पहुंचा पाए। और इसी का अगर दूसरा वेरिएंट लेना है 4 घंटे वाला, जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर माइक आपको थोड़े से लो इससे मिलते हैं क्वालिटी के अंदर, वो आपको मिल जाएगा 13,500 रुपए, 13,500 रुपए। ठीक है, डन। तो दोनों आपको मैंने चीजें बता दी हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अपने हीरा 4 प्रो। भाई जो लोग लेने के लिए पागल हो रखे, लेकिन मिलता नहीं है भाई। हाँ, लोगों के सपनों के अंदर हीरा 4 प्रो आता है, लोगों का सपना बन चुका है, लोग जो 6-6 महीने अपनी सैलरी को जोड़ के जो है इस चीज को लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, दूर दूर का सफर तय करके आते हैं। और एक चीज़ लोग अपने घरों में झगड़ा भी कर लेते हैं कि भाई मेरे को सिस्टम लेने लेना, घर वाले मना करते हैं कि भाई वो नहीं लेना, इतना हैवी लेके क्या करेगा, मगर सपना बन चुका है। और जिनके घर में होता है, पड़ोसी यकीन मानिए दिन रात जो है यही दुआ करता है कि भाई कहीं से जो है मुझे भी मिल जाए, या फिर यहाँ तो ये मेरे से दूर हो जाए या मैं इससे दूर हो जाऊँ। ऐसी बला है, जब ये चलता है तो पड़ोसियों की खिड़कियां, दरवाजे, इवन के जो है
उनके घरों के बर्तन तक हिला देता है, अपने घर के लाइटर के सिरे तक हिला देता है, ऐसी चीज है। क्या है इसके अंदर, अब इसकी डिटेलिंग देते हैं हम। सबसे पहले तो 10 इंची के अंदर 135 मैग्नेट लगाई गई है, जो आज से पहले किसी ने ना किया है ना ही कोई करेगा। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग, सबको जो है माल काटना है, सबका बिकता है, कूड़ा भी बिकता है, बल्कि कूड़ा ज्यादा बिकता है। क्यों? क्योंकि सस्ते के नाम पे हर कोई आपके पास आने के करेगा कि हाँ भी इनका बहुत सस्ता है, चाहे बाद में जो मर्जी हो, किसने देखा है। मगर मेरा काम सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के ऊपर है। मैं बार बार बताऊं आपको, 10 इंची 135 मैग्नेट, और बेस इतना ज्यादा है, वोकल कहीं कम ना पड़ जाए। 6 इंची अपर मिड रेंज दी गई है, 4 इंची लोअर मिड रेंज, वहीं पर 4 इंची आपको हाईज मिल जाती है, और 5200 के मॉस्फेट दिए गए, सेमी कंडक्टर चिप इसके अंदर यूज की गई है। सर्किट भी इसका जो है पूरा जो है हमारा आईसी बेस रहने वाला है। आप जो है कहीं पर भी सॉन्ग प्ले कर लीजिए, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, या कोई भी सॉन्ग प्ले कर लीजिए, अपने आप में बेस को ये कंट्रोल करता है। कहीं पर भी अच्छा। आपको नहीं आएगा इस सॉन्ग के अंदर बेस अच्छा नहीं आ रहा। 13.5 इसकी कैबिनेट की थिकनेस है, 9.5 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, किसी भी प्रोडक्ट का हर्ट होता है, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर में एम्पेयर कम है, करंट ज्यादा है, तो जैसे ही बेस आएगी वैसे ही जो है क्रैकलिंग आ जाएगी, या बेस के अंदर लैग आ जाएगा। पर यहाँ पर आपको कोई भी लैग नहीं मिलेगा बेस के अंदर। और एक बार इसकी टेस्टिंग देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि जब ये चलता है तो क्या रिएक्शंस रहते हैं। बिल्कुल, तो एक बार इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं, और आप चेक हीरा 4 प्रो सुनाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि 5 का साउंड कैसे रहने वाला है। मेरे पीछे ही है, अभी हम आपको नहीं दिखाएंगे, वो तो लॉन्च ही होगा प्रॉपर, लेकिन एक बार साउंड एक बार टेस्ट करा देते हैं। टेस्ट कराऊं उससे पहले थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा, क्यों पूरा साल जो है जनता इंतजार करती है, हमारे भारत की पब्लिक, के फ्लो बीट्स इस बारी क्या लेके आने वाला है। तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। बिल्कुल, इस बारी जो है सबका ख्याल रखा गया, सबका मतलब सबका, चाहे किसी को जिम के अंदर लगाना है उसको 4.1 चाहिए, उसका भी 5 के अंदर ख्याल किया गया है। बिल्कुल, किसी को कमर्शियल चाहिए, सिंगल लेके जाना है कहीं पर गाड़ी में डाल के, उसका भी ख्याल किया गया पार्टी। अच्छा, ठीक है। किसी को डबल चाहिए रेस्टोरेंट के लिए, क्लब के लिए, बहुत हाई प्रोफाइल चाहिए, उसका भी ख्याल किया गया। चलो, अब क्या है, सुंदर भी चाहिए दिखने के अंदर, डबल टावर घर के अंदर, तो 5 प्रो मैक्स और 5 प्रो मैक्स अल्ट्रा भी उसके अंदर जो है, दो मतलब कुछ अलग ही चीज आएगी, बहुत डिफरेंट आएगी। तो टेस्ट ही देता हूँ 5 प्रो मैक्स, साउंड सुन लो आप पहले, हेडफोन लगा लेना। 5 प्रो मैक्स पहली बार वीडियो के अंदर सुनाने जा रहा हूँ, तो चलिए। बिल्कुल क्रिस्टल जी, यहाँ बेस के साथ साथ वोकल और उसके साथ साथ बीट्स के ऊपर खास ख्याल किया गया है। हेडफोन्स लगा के फिर से सुनना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं क्लैरिटी और ज्यादा इंप्रूव होती जा रही है, साउंड इंप्रूव होता है। सबसे बड़ी बात, लुक के ऊपर काम किया है। आज से पहले कभी आपने ऐसा सिस्टम ना देखा होगा, ना फील किया होगा, और ना ही कभी इमेजिन किया होगा। ठीक है जी, तो चलो अंदर चलते हैं फटाफट से। मैं यहाँ इस साइड रखा हुआ है जी, मैं वही आपको दिखाएंगे नहीं। चलो तो अंदर चलते हैं फटाफट से, अब आपको दिखाते हैं हीरा 4 प्रो की टेस्टिंग। क्या बात है, FM मोड, माई ईमेल। चलो तो ये ऑन हो चुका है यहाँ पर, और अब ब्लूटूथ मोड पे लग चुका है, और आपको सुनाते हैं जिसके लोग दीवाने हैं इस टाइम पर। और अभी भी बाजी है क्या, आउट ऑफ स्टॉक ही है, वेटिंग ही है, स्टॉक ही है, वेटिंग है, अब बहुत कम कर दी है वेटिंग, कम कर दी है। ठीक है, इसी के चक्कर में 3 यूनिट लगाए हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो चलो एक बार इसकी टेस्टिंग ले लेते हैं फटाफट से, इस इन्फॉर्मेशन सारी दे दी आपको, इसकी प्राइस और टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। हो गया लो कनेक्ट। चलो तो सबसे पहले वही हम प्ले करेंगे जो बेस का साउंड था। इसके अंदर आपको 3-4 अलग अलग तरीकों से मैं आपको प्ले करवाऊंगा। ठीक है, चलो ये देखोगे ना, अगर विंडो तो हिल इतने अंदर का क्या हाल होता है। ठीक है, वो भी आपको टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। ये बोलता हूँ जब ये चलता है तो लैंटर के सरिये तक हिला देता है। बिल्कुल, वो सारी रील्स वीडियो मैंने डाली हैं। अभी क्या पूरा सेटअप मेरा उथल पुथल हुआ पड़ा है, तो आपको ज्यादा लंबी चौड़ी टेस्टिंग नहीं दे सकता। मगर जैसे ही मेरा न्यू सेटअप रेडी होगा, हम रोड के ऊपर की तरफ आ चुके हैं, बाहर की तरफ। अब आपको अंदर आने की जरूरत नहीं है, आपको केशवपुर सब्जी मंडी गेट नंबर 1 के अपोजिट जो रोड आ रहा है, उसी रोड के ऊपर आपको मिलेंगे। गैस गोडाउन के जस्ट अपोजिट हमारी जो है कॉर्नर की बिल्डिंग है, वहां पर आपको नजर आ जाएंगे टावर स्पीकर के साथ। आउटडोर में आइए टेस्टिंग दिखाते हैं कि जब ये अंदर चलता है तो बाहर का क्या नजारा रहता है। क्या बात, मैं बोलता हूँ कि इंडिया के अंदर अभी तक इससे हैवी टावर स्पीकर किसी ने नहीं बनाया। तो चलिए एक बार प्ले करते हैं। चलो अंदर प्ले हो रहा है। तो ये हीरा
अलग ही चीज लेवल है। मैं बोलता हूँ जिसको भी टावर स्पीकर या कोई भी स्पीकर लेने की इच्छा हो रही है, मत खर्च करो 20-25-25-30-30 हज़ार पे, फिर भी वो मजा नहीं आएगा जो मजा मैं आपको हीरा 4 प्रो के अंदर दे दूंगा। चलो ठीक है, तो आई थिंक हमने यहीं पर वीडियो को ना एंड कर लेते हैं। काफी सारी चीजें काफी अच्छे अच्छे डिस्काउंट पर दिखाई आपको। एक चीज बता दूं कि हर महीने के एंड के अंदर मैं जो है गिववे लेके आता हूँ, इस बार फिर लेके आऊंगा। जो भी मेरे यहाँ से परचेजिंग कर रहा है, ये चैनल को देख रहा है, जिन्होंने मेरे पास जिनके प्रोडक्ट हैं, जिनके पास मेरे प्रोडक्ट हैं, वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बना के अपने चैनल पर डाली, यूट्यूब के ऊपर जिसकी वीडियो में सबसे ज्यादा पसंद आएगी मैं उसे जो है डबल टावर गिफ्ट करूंगा। डबल टावर गिफ्ट जी हाँ, हर महीने के एंड के अंदर हम लोग निकालते हैं, तो इस बार भी गिव वे निकाले। जल्दी से आप अच्छी सी वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल लीजिए और मेरी तरफ से ले जाइए डबल टावर। क्या बात है। चलो जी, ऑर्डर करने के लिए नंबर क्या रहेगा? ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए हैं, वहां पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। मैं बोल देता हूँ 91-900-291-13-200-700। क्या बात है, बढ़िया। चलो तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, ज्यादा वीडियो को शेयर करने लगे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।